नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम GoDaddy के डोमेन नेम को होस्टिंगर की होस्टिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे काफ़ी दिनों से GoDaddy डोमेन और होस्टिंगर होस्टिंग को कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसलिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए, आपका अधिक समय न लेते हुए शुरू करता हूँ आज का यह वीडियो और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने GoDaddy और होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने GoDaddy अकाउंट में भी लॉगिन कर लिया है और होस्टिंगर अकाउंट में भी लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर होस्टिंगर के अकाउंट में आपको सबसे ऊपर वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, क्रिएट और माइग्रेट ए वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, तो हमारा ब्लॉग है, हम ब्लॉग को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्रिएट और माइग्रेट वेबसाइट, हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं इससे हम क्रिएटिव वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट प्लेटफॉर्म, आप किस प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जो कि हम वर्डप्रेस का यूज करने वाले हैं इसलिए हम वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल बनानी है, आप इसे अभी भी बना सकते हैं या बाद में भी बना सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे स्किप कर देता हूँ। स्किप क्रिएट एंड एम्प्टी वेबसाइट, इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछ रहा है नेम योर वेबसाइट, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, मैं बाई ए डोमेन और यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो हमारे पास डोमेन पहले से ही है, हम अपना डोमेन यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हमें इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन, इसको सिलेक्ट करना है और फिर अपने डोमेन का नाम यहाँ पे इंटर करना है। आप अपने GoDaddy के जिस भी डोमेन को होस्टिंगर से कनेक्ट करना चाहते हैं उसे सिंपली कॉपी कर लीजिए और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपके GoDaddy के नेम सर्वर हैं उसे होस्टिंगर के नेम सर्वर से चेंज करना है। तो सिंपली हमें अपने GoDaddy वाले अकाउंट में जाना है जहाँ पे हमारा डोमेन है और यहाँ पर DNS का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नेम सर्वर पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे चेंज नेम सर्वर, इस पर क्लिक करना है। आप अभी देख सकते हैं कि हमारे जो नेम सर्वर हैं ये GoDaddy के नेम सर्वर हैं, हमें इनको होस्टिंगर से रिप्लेस करना है, तो हम चेंज नेम सर्वर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडिट नेम सर्वर, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है, आई विल यूज़ माई ऑन नेम सर्वर। तो इसके बाद आपको अपने होस्टिंगर अकाउंट में जाना है और यहाँ पर जो नेम सर्वर है दिए हैं होस्टिंगर ने, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ देखो जो रिक्वायर्ड नेम सर्वर है, जो जिसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, आपको इसे भी कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पे पेस्ट। फिर दूसरा नेम सर्वर है nf2dnsparking.com, यहाँ पे आपको इन दोनों नेम सर्वर को पेस्ट कर लेना है और उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पे लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आपको फिर कंटिन्यू एंड वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो आपके जिस जीमेल आईडी पे आपका GoDaddy का अकाउंट है उस पर एक OTP आया होगा, 6 डिजिट का एक कोड आया होगा। आपको उस कोड, आपको अपने जीमेल के इनबॉक्स को चेक करना है और GoDaddy की तरफ से जो 6 डिजिट का कोड आया होगा उसे आपको कॉपी कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है, फिर आप नीचे जाएंगे और फिर वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। जैसी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी यहाँ पे कुछ समय लेगा और आपके नेम सर्वर चेंज हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट तक वेट करने के बाद आप पेज को रिफ्रेश करें और आप पाएंगे कि होस्टिंगर के नेम सर्वर सफलतापूर्वक रिप्लेस हो चुके हैं। तो जैसे ही नेम सर्वर यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे आपको फिर से अपने होस्टिंगर अकाउंट में जाना है और फिर यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको मैनेज साइट पर क्लिक करना है। अब आपके GoDaddy का डोमेन होस्टिंगर के अकाउंट से कनेक्ट हो चुका है, आप यहाँ पे वेबसाइट पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हमने डोमेन नाम को कनेक्ट किया था वो सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुका है। आप अब आसानी से इस डोमेन नेम पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप बहुत आसानी से GoDaddy के डोमेन को होस्टिंगर की होस्टिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो आपको इस चैनल पर रेगुलर रूप से मिलते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।